हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं, बट इसमें आज हम सीखेंगे कि पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत क्या क्या है। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि दोस्तों, जैसे कि हमारे यहाँ पे अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी दे रहे हैं तो आपको ये सारे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, और हमेशा हमें कंफ्यूज करते हैं कि दोस्तों भूसन्निधि सिद्धांत किसने दिया, तापी संकुचन, महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत किसने दिया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, समान तरंगे। तो दोस्तों, कभी कभी हम इसको भी रटने में अपना समय व्यर्थ कर देते हैं और हम भूल भी जाते हैं, ठीक है। पर दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ट्रिक लाया हूँ, बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से आप इसको याद कर पाएंगे बिना किसी टेंशन के, ठीक है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत। जितना मिनट का वीडियो होगा दोस्तों, उतने मिनट की आपकी प्रॉब्लम होगी, उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, तुरंत आपको याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, दिया हुआ भूसन्निधि का सिद्धांत किसने दिया है, कोबर ने दिया। इसको हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, देखिए भूसन्निधि, तो भूसन्निधि से हम बनाएंगे कि भूखा संतान, ठीक है। भू से मतलब भूखा और संतान, ठीक है। सन्नति, तो भूसन्निधि का सिद्धांत तो आपको आ ही जाएगा, ठीक है। भूखा संतान, तो भूखा संतान क्या होता है, हमेशा गोबर होता है। क्या होता है दोस्तों, गोबर होता है। आपको ऐसे याद करना है, गोबर से गोबर, गोबर मतलब उसके पास दिमाग नहीं होता, बट ऐसा रियलिटी नहीं है दोस्तों। ऐसे इमेजिन करिए कि किसी का संतान है जो बहुत दिन से भूखा है, और वो भूखा होने की वजह से क्या है, गोबर है, ठीक है। तो गोबर का मतलब हो गया कोबर, तो आपको क्या करना है, कोबर, ठीक है। आगे दोस्तों दिया हुआ है तापीय संकुचन। तापीय संकुचन का है जेफ्रिज, इसको कैसे याद करेंगे, देखो तापीय संकुचन, संकुचन मतलब सुकुड़ जाना, ठीक है। तो कब सुकुड़ जाते हो, जब तापते हो, तो ठंडी में। ऐसे इमेजिन करिए कि तापीय ठंडी है, ठीक है। संकुचन मतलब सुकुड़ना, तो जब आप ठंडी को तापते हो, तापना मतलब जब ठंडी आपके ऊपर आती है, तब क्या होता है, आप सुकुड़ जाते हो, आप क्या हो जाते हो, संकुचन हो जाते हो। जब सुकुड़ते हो, क्यों सुकुड़ गए, क्योंकि आप कहाँ गए थे, फ्रिज के पास गए थे। कहाँ गए थे, फ्रिज के पास। जैसा इमेजिन करिए कि आपका एक दोस्त है और आप सुकुड़ गए कि आप बहुत बहादुरी दिखा रहे थे, मैं जम्मू कश्मीर में मतलब फ्रिज के सामने मैं बैठ सकता हूँ, आप फ्रिज के सामने खोल के आराम से बैठ सकते हो। तो आपने हिम्मत दिखाई और जाके फ्रिज के सामने बैठ गए, और कुछ ही देर बाद आपको ठंडी लगने लगी, फिर आपका दोस्त, फिर आप फ्रिज बंद करके भाग गए अपने दोस्त के पास, फिर आपका दोस्त बोलता है और जाए फ्रिज के पास, क्योंकि आप सुकुड़ गए थे एकदम ठंड से। तो उसने आपको बोला कि जा और फ्रिज के पास, क्या बोला, जा और फ्रिज के पास, बहुत तुझे शौक लगा हुआ है ना ठंडी का, तो जा फ्रिज के पास, ठीक है। आपने क्या बोला, जा फ्रिज के पास। तो तापीय संकुचन, तो संकुचित कब हो जाते हो आप, जब फ्रिज के पास जाते हो, ठीक है, जब फ्रिज। महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत, तो महाद्वीपीय मतलब एक ऐसा द्वीप जहां पे दोस्तों सब लोग फिसल जाते हैं। फिसलन, फिसलन का मतलब होता है फिसलना। कब फिसलते हो आप, डेली, डेली मतलब दिन भर, हमेशा आप जब भी जाते हो फिसल जाते हो, डेली आप क्या हो जाते हो, वहां पे फिसल जाते हो। एक ऐसा महाद्वीप जहां पे आप क्या हो जाते हो, फिसल जाते हो, आपको फिसलन आता है और आप फिसल जाते हो, कभी आप डेली, तो डेली आप क्या हो जाते हो, फिसल जाते हो, फिसलन से फिसल जाते हो डेली। महाद्वीपीय विस्थापन, तो दोनों में महाद्वीप है, महाद्वीप है, बट ये फर्क है, यहाँ पे फिसलन है, यहाँ पे विस्थापन है। तो विस्थापन में मतलब क्या हो जाएगा, वेगनर, ठीक है। तो वेगनर एक औरत है, वेगनर जिसको नारी बोला जाता है, ठीक है। वेग मतलब होता है स्पीड, तो वेगनर, तो वेगनर मतलब एक औरत है जो हमेशा विस्थापन कर लेती है, मतलब वो एक जगह पे बैठती नहीं है, उसका आज जगह यहाँ है, कल विस्थापन करके कहीं और चली जाएगी, ठीक है। तो एक औरत ऐसी जहाँ जिसका विस्थापन चेंज होता रहता है, वो एक जगह नहीं रहती है, तो वेगनर, वेग मतलब उसका स्पीड हमेशा चेंज होते रहता है, और कौन है वो, नारी है। तो किसका स्पीड चेंज होता है, नारी का, वेगनर, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर इससे आसान आपको मिलता है या आप सोच पा रहे हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। विस्थापन का मतलब एक औरत एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित करती है, कभी जब उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो वेग नर, नारी। आगे संवहन तरंग सिद्धांत, संवहन तरंग सिद्धांत क्या होता है दोस्तों, तरंग, आप ऐसा इमेजिन करिए कि संवहन तरंग है, ठीक है, तरंग उठ रही है वाहन से, संवहन से क्या हो जाएगा, वाहन, वाहन से क्या उठ रही है, तरंग उठ रही है, और वो तरंग इतनी ज्यादा स्पीड से है कि आपकी होम की तरफ आ रही है, किसकी तरफ आ रही है, आपकी होम, होम की तरफ आ रही है, होम मतलब घर की तरफ, वो तरंग स्पीड से बढ़ती हुई चली आ रही है, कहां तक, आपकी होम की तरफ, और आपको बहुत डर लग रहा है, होम से क्या हो जाएगा, होम्स, ठीक है, एकदम मिलता जुलता वर्ड है। संवहन तरंग, तो वाहन की जो तरंगे है, वाहन जब चलती है तो वाहन की जो उठने वाली तरंगे होती है आवाज, वो किसकी तरफ आ रही है, आपके घर की तरफ, होम की तरफ आ रही है, ठीक है, होम से, होम्स। रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत, तो रेडियो एक्टिविटी से याद करिए कि रेडियो एक्टिव, तो रेडियो एक्टिव कब होता है, जब उसको आप जाली में डाल देते हो, कहाँ डाल देते हो, जाली में या झोली में, झोली से इमेजिन करिए, जब आप उसको किसी के झोली में डाल देते हो, मतलब आपके पास एक रेडियो है, वो एक्टिव तभी होगा जब आप उस रेडियो को किसी के झोली में डाल दोगे, तो क्या हो जाता है,
एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो रेडियो क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया किसी के झोली में डालने पे। जैसे आपने उसको झोली में डाला, वो रेडियो क्या हो गया अपने आप एक्टिवेट हो गया। आगे दिया हुआ प्लेट विस्थनीय, ठीक है, हाँ, विवर्तनीय सिद्धांत। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत क्या है, हैरी हेंस, ठीक है, हैरी हेंस ने किया हुआ इसकी खोज। तो इसको वैसे आप कहेंगे दोस्तों प्लेट, प्लेट साली खाली आप प्लेट याद करिए, ये नहीं याद करेंगे चले, क्योंकि प्लेट ही एक ही है यहाँ पे, तो प्लेट से आप आसानी से याद कर सकते हो। तो आप ऐसा इमेजिन करिए कि एक प्लेट है जिसमें बहुत सारा हरी है, हरियाली है, ठीक है, एक ऐसा प्लेट जिसमें आपने इतना घास लगा दिया कि पूरा प्लेट किससे भरा हुआ है, हरी से, ठीक है, हरी से, और उस प्लेट को आप देख के क्या कर रहे हो, हंस रहे हो, ठीक है, उस प्लेट को आप देख के हंस रहे हो। तो ऐसा इमेजिन करिए कि प्लेट है जिसमें पूरा हरा हरा घास आपने उगाया हुआ है, हरी से क्या हो जाएगा, हरी घास से हरी, और क्या कर रहे हो उस प्लेट को देख के हंस रहे हो कि इसमें घास उग गई है, ठीक है, जितना फनी बनाओगे उतनी चीजें याद रहेंगी। तो आप क्या कर रहे हो, उसमें हरी हरी घास जो उग गई है उसको देख के हंस रहे हो, तो हंस रहे हो उसको हेंस, ठीक है, हरी घास तो हरी, तो प्लेट से याद हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखो आराम से आप बोल सकते हो भू सन्नति सिद्धांत, भू मतलब भू का संतान, तो भू का संतान गोबर होता है, तो गोबर हो जाएगा। तापीय संकुचन, तापीय संकुचन कब हो जाता है, जब हम फ्रिज के पास जाते हैं, जहाँ फ्रिज के पास, ठीक है। महाद्वीपीय फिसलन, आप ऐसा एक महाद्वीप फिसलन है जहाँ पे आप हमेशा क्या हो जाते हो, फिसल जाते हो, ठीक है, वैसे आपका विस्थापन हो जाएगा, आप एक एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जैसे मैंने बताया विस्थापन से एक ऐसी औरत है जो एक जगह से दूसरी जगह हमेशा आती जाती रहती है, ठीक है, तो वो नारी है। तो आपको अगर कोई अच्छा वर्ड मिलता है तो आप मुझे बताइए, तो विस्थापन से नर से क्या हो जाएगा, नारी, ठीक है, वेग से उसकी स्पीड, ठीक है, और समान तरंग, तरंग कहां तक जा रही है, आपके होम तरंग जा रही है, कहां से निकल रही है, वाहन से निकल रही है, ठीक है, वाहन तरंग। तो रेडियो एक्टिव कब होता है, जब उसको आप झोली में डालते हो, तो झोली से क्या हो जाएगा, झोली, ठीक है। प्लेट, प्लेट में क्या है, हरियाली है, तो हैरी और हेंस, ठीक है, और आप उसको देख के हंस रहे हो। तो ये हो गए दोस्तों पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत। इसके बाद दोस्तों मैं एक नया टॉपिक लाऊंगा जिसमें नया ट्रिक की बात करेंगे। अगर दोस्तों वीडियो आप देख रहे हैं यहाँ तक, तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करना ना भूले, और सब्सक्राइब तो आप कर ही दिए रहोगे, और सब्सक्राइब कर दियो दोस्तों तो बेल आइकन दबाना ना भूले। चलिए दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।